चलिए देख लीजिएगा सभी लोग के पास आवाज़ पहुंच रही मेरी कि नहीं, एक बार कमेंट देख लेते हैं। सर जुटे नहीं हो पा रहा है, अब देखिए सभी के पास हो गया। पर कमेंट कर दीजिएगा आवाज़ जा रही है कि नहीं जा रही है। आवाज़ सभी के पास क्लियर है? क्लियर नहीं दिख रहा है सर। सभी को गुड इवनिंग। वॉइस क्लियर है सर? तो तैयार है लेने के लिए? क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है। तो क्या क्लियर आप दिखाई पा रहा है क्या? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सभी लोग जुड़ जाइए, टेस्ट स्टार्ट करेंगे हम लोग सीएट प्रीवियस ईयर का। सर क्लियर नहीं दिख रहा है, अब क्लियर दिख रहा है क्या? एक बार देखिएगा। क्लियर नहीं दिख रहा है। क्लियर नहीं दिख रहा, देखते हैं इसको कोई उपाय। वीडियो क्वालिटी तो हाई है। अच्छा ठीक है, देखते हैं हम दूसरा पीडीएफ आपके लिए। अब एक बार चेक कीजिएगा तो अब क्लियर दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? अब एक बार चेक कर लीजिएगा। एक बार कमेंट कर दीजिए, क्लियर दिखाई दे रहा है कि नहीं? कमेंट करके एक बार बताइए क्लियर दिखाई दे रहा है कि नहीं? क्लियर नहीं दिख रहा है सर। प्रियंका सिंह
धुंधला दिखाई दे रहा है। अच्छा ठीक है, पिक छोटा है सर, पिक तो हम काफी जूम कर दिए हैं। कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा जी। आप कुछ दिखाई दे रहा है क्या? पता नहीं चल रहा है सर, एक बार देख लीजिए पता चल रहा है कि नहीं। अपना अपना ना वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, अगर नहीं दिखा रहा है तो अपना फ़ोन का वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिए और उसके बाद बताइए। तो एक बार जिनको क्लियर नहीं दिखाई रहा है वो एक बार अपना वीडियो क्वालिटी को बढ़ा लीजिए, वीडियो क्वालिटी के बढ़ा लीजिए। फोन दिखाई दे रहा है सर, ठीक है अब ठीक है तो टेस्ट की शुरुआत करेंगे। अगर ठीक दिखाई दे रहा है तो फिर हम लोग टेस्ट की शुरुआत करेंगे। अच्छा बाइलिंगुअल देखिएगा तो आप दिखाई दे रहा है कि नहीं, अपना अपना वीडियो क्वालिटी को हाई कर रखिएगा, अपने अपने वीडियो क्वालिटी को हाई करके और उसके बाद हमें बताइए कि आप दिखाई दे रही है कि नहीं दिखाई दे रही है। बाइलिंगुअल में दिखाई दे रहा है ना, इंग्लिश और हिंदी दोनों तरफ। चलिए यस सर, तो एक बार शेयर कर दीजिए और फिर हम लोग टेस्ट की शुरुआत कर देंगे। कितना क्वेश्चन है दिखा देते हैं इसमें। पच्चीस क्वेश्चन का हम लोग सीरीज करेंगे और फिर देखेंगे कि 25 क्वेश्चन में किनका क्या मार्क्स आ रहा है। एक बार शेयर कर दीजिएगा लिंक को विभिन्न ग्रुप्स में। नहीं दिख रहा है सर, वीडियो क्वालिटी को हाई कर लीजिए जिनको नहीं दिख रहा है। चलिए तो जिनको दिख रहा है आप बनाना शुरू कर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, कमेंट लगातार तेजी से भाग रहा है फिर भी नहीं दिख रहा है सर, वीडियो क्वालिटी तो हम हाई कर रखे हैं। चलिए हम क्वेश्चन को तो पढ़ने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख
एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारा जैसे क्यों और कैसे प्रदान करने का फैसला करती है, लेती है। तो वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना क्या है? मतलब है कि कोई शिक्षक हैं, बच्चे को क्या कैसे हिंट करते हैं, तो वो उनका योजना क्या है? ऑप्शन एक है तो अधिगम के लिए अनुप्रेरित या निष्प्रेरित करेगी, दूसरा है अधिगम के लिए पाड़ या आधारभूत संरचना का काम करेगी, और तीसरा है छात्रों में प्रत्याहार या निकास पैदा करेगी, और चौथा है अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी। कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। एक बार प्रयास कीजिए अपने अपने वीडियो क्वालिटी को बढ़ा लेने के लिए। एक बार सभी वीडियो क्वालिटी को बढ़ा लीजिए और उसके बाद देखिए। कमेंट करेंगे बी मृत्युंजय कुमार, बी रंजू कुमारी का बी आ रहा है। और लोगों का आंसर क्या आ रहा है? वाइगोत्स्की के अनुसार पूछ रहा है कि क्या, क्यों और कैसे प्रदान करने का फैसला करती है। तो वाइगोत्स्की के अनुसार वो प्लानिंग क्या कहलाएगा? ठीक है सर, प्रियंका तो आंसर बताइए कि क्या होगा। बी 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 सही आंसर है इसका। बी मिला लीजिएगा कि पाढ़ प्रदान करती है। अधिगम के लिए पाढ़ का मतलब होता है कि स्केप फोल्डिंग दे दिया जा रहा है ना। स्केप फोल्डिंग को कई नामों से हम लोग जानते हैं, पाढ़ कहिए, पाइट कहिए, ढांचा निर्माण कहिए, मचान कहिए, सहायता कहिए, मदद कहिए, है ना। और ये स्केप फोल्डिंग क्या होता है? तो पार्शियल हेल्प या पार्शियल सपोर्ट, आंशिक सपोर्ट होता है, परमानेंट सपोर्ट नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर एक का आंसर भी सभी लोगों का सही है, बहुत बढ़िया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर दो के तरफ चलते हैं, दो का आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर दो, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर दो दिखाई दे रहा है ना, क्वेश्चन नंबर दो। गीता का आंसर आ रहा है बी, और लोगों का बताते चलिएगा, दिखाई दे रहा है ना क्लियर। राज बी कहता है कि अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोहलबर्ग थ्योरी, परफॉर्मिंग एन एक्ट एंड डूइंग समथिंग बिकॉज अदर अप्रूव्स इट, अप्रूव्स यानी अप्रूवल। लॉरेंस कोहलबर्ग स्टेजेस में आएगा जब कोई बच्चा अप्रूवल पाने के लिए किसी कार्य को कर रहा है, प्रशंसा पाने के लिए किसी कार्य को कर रहा है, तो वह कौन सा स्टेज में आएगा? ये क्वेश्चन पूछा है कि कोई बच्चा किसी कार्य को इसलिए करता है क्योंकि लोग उसे स्वीकृति दें, तो कौन सा स्टेज में है? पहला है प्री कॉन्वेंशनल, पोस्ट कॉन्वेंशनल और फॉर्मर कॉन्वेंशनल। बी 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 सभी लोगों का बी आ रहा, बहुत बढ़िया। और लोग बताइए आंसर, 28 लोग देख रहे हैं लाइव, और शेयर करते रहिएगा। लॉरेंस कोहलबर्ग ये आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, कन्वेंशनल लेबल्स।
हम लोग जानते हैं कि कन्वेंशनल लेवल्स को दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है गुड बॉय नाइस गर्ल्स का स्टेज और दूसरा होता है आपका अथॉरिटी मेंटेनिंग या लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, जिसमें गुड और नाइस गुड बॉय नाइस गर्ल वाले में हम लोग पढ़े थे कि किसी कार्य को वहाँ पे लड़के या लड़कियाँ इसलिए करते हैं ताकि लोग उनकी प्रशंसा करें, स्वीकृति दे, मान्यता दे, अप्रूवल मिले, और अप्रूवल पाने के लिए ही वह किसी कार्य को करती हैं, और वहाँ पर हमेशा डिसअप्रूवल से वह बचने का प्रयास करती हैं। तो क्वेश्चन नंबर बी का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। ये रहा स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर करेंगे। एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए। ए लेव वाइगोत्स्की सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव्स फॉर लर्निंग एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ब्लैंक्स इन द लर्निंग प्रोसेस। मतलब वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम में किसको महत्व देता है? आंसर आना शुरू हो गया है। ए सी दोनों आंसर आ रहे हैं। आमिर प्रताप आंसर नंबर सी रॉन्ग है। आमिर वाइगोत्स्की के अनुसार पूछा है क्वेश्चन। वाइगोत्स्की के अनुसार पूछा है ब्यूटी ए प्रियंका सिंह रंजू नाव्या माही ए और लोग बताइए। 33 लोग अभी लाइव जुड़ गए हैं और लोग अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए इसे। और 33 लोग बताइए कि आप लोग का आंसर क्या आ रहा है क्वेश्चन नंबर। ये लेव वाइगोत्स्की इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ सीटेट। कम से कम भी तो पेपर वन और पेपर टू मिलाकर के इनसे 2 से 3 क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे। आंसर ए जिनका आ रहा है उनका बहुत अच्छा है, जिनका ए नहीं आ रहा है थोड़ा और प्रयास करेंगे। देखिए कहता है लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य किस पे बल देता है। हम लोग पढ़े थे कि वाइगोत्स्की एक रशियन साइकोलॉजिस्ट हैं और इन्होंने बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे अध्ययन किए, स्टडी किए, और यह बताया कि उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट बच्चा का होता कैसे है। तो बच्चों के कॉग्निटिव डेवलपमेंट में वाइगोत्स्की ने उसके कल्चर, उसके सोसाइटी और उसकी लैंग्वेज को काफ़ी इम्पोर्टेंट्स माने हैं। अर्थात वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के अधिगम में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है उसका समाज, उसकी संस्कृति, उसकी भाषा। तो देखिए इस स्टेटमेंट में कहाँ पे हम लाइज कर रहे हैं, किस ऑप्शन के साथ। तो नज़र आ रहा है कि ऑप्शन नंबर एक में है कल्चरल टूल्स, एट्रीब्यूशन, मोटिवेशन, इक्विलिब्रेशन। थोड़ा ऑप्शन काटने का भी प्रयास करेंगे कि द टर्म इक्विलिब्रेशन जो है वो रिलेट करता है जीन पियाजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी से, तो ऑप्शन नंबर 4 तो होगा नहीं। मोटिवेशन की बात है नहीं, एट्रीब्यूशन की बात हुई नहीं, बल्कि वाइगोत्स्की के थ्योरी में कल्चरल टूल्स इज द इम्पोर्टेंट टूल्स फॉर लर्निंग, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ओके चले आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आइए आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 का आंसर बताइए। 4 का क्वेश्चन नंबर 4th।
क्वेश्चन नंबर फोर, कमेंट कीजिए। डी डी आ रहा है सारे को। डॉग, प्रियंका सिंह डॉग, क्वेश्चन नंबर फोर डॉग, साधना डॉग, और लोगों का रूपाली डॉग, ब्यूटी डॉग, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर फोर कहता है, कि जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को किस रूप में वर्णित करते हैं, यानी कि कॉग्निटिव स्ट्रक्चर को कॉग्निटिव स्ट्रक्चर को पियाजे क्या कहते हैं। तो थोड़ा पियाजे के बारे में जान लिया जाए कि पियाजे स्विस साइकोलॉजिस्ट हुए, स्विट्जरलैंड के हुए, जिन्होंने बच्चों के मेंटल डेवलपमेंट पे काम किए, अपने ही बच्चे पर एक्सपेरिमेंट किए थे और एक सिद्धांत का निर्माण किए जिन्हें कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी कहते हैं। इस सिद्धांत को इन्होंने चार स्टेजेज में बांटा है, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट और फॉर्मल स्टेज। कुछ की एलिमेंट्स भी इनके थ्योरीज में दिए गए थे, जिसमें इन्होंने कॉग्निटिव स्ट्रक्चर को अस्कीमा कहा है। अस्कीमा को हिंदी में हम लोग मनोबंध कहते हैं, और इसी अस्कीमा को पियाजे बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ नॉलेज कहते हैं। क्या कहते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ नॉलेज। तो क्वेश्चन नंबर फोर का सभी का आंसर आ रहा है डी। जिनका भी डी आ रहा है वो सही है, यानी क्वेश्चन नंबर फोर का हो गया डी। ईमानदारी से टेस्ट करेंगे और लास्ट में बताना है कि आपने 25 क्वेश्चन में से कितना सही किया। आइए क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ। क्वेश्चन नंबर फाइव आंसर कीजिए, फास्ट रिप्लाई। चौंतीस लोग, और लोग कहाँ हैं जी? सब सोए हुए हैं। डॉग डॉग, पांच का बॉल, बॉल डॉग दोनों आ रहा है। बॉल आ रहा है, डॉग आ रहा है। प्री ऑपरेशनल स्टेज के बारे में पूछा है आपसे, बॉल डॉग। क्या होगा फाइनल आंसर, क्या होगा? कौन बताएंगे? जिनको बताएंगे उन्हें 5 स्टार मिलेगा। बॉल, शाबाश, सही है। रूपाली पांच का बताइए, 4 का बॉल, 5 का बताइए क्या होगा। पूनम कुमारी बॉल, अरुण गौतम बॉल। क्वेश्चन ले लेते हैं, चलिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक, किसके बारे में पूछा है? तो आपसे पूछा है पूर्व संक्रियात्मक के बारे में, पूछ रहा है कि पूर्व संक्रियात्मक तो आइए देख लेते हैं।
प्री ऑपरेशनल स्टेज, पहला कहता है ऑप्शन अमूर्त सोच का विकास। तो देखिएगा हम छाटते कैसे हैं, सीटेट में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि प्रश्नों को देखकर कैसे छाटा जाए। तो पहला ऑप्शन है आपको अमूर्त सोच। तो अमूर्त सोच होता है अर्थात एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो होता है वो फोर्थ स्टेज में होता है, फॉर्मल स्टेज के ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो ये आंसर होगा नहीं, ऑप्शन नंबर डी नज़र आ रहा है कंजर्वेशन और सेपरेशन। तो कंजर्वेशन और सेपरेशन की बात होती है वो कॉन्क्रीट स्टेज की होती है, तो ये चला जाएगा कॉन्क्रीट में। और ऑप्शन नंबर डी जो है हाइपोथेटिकल या थिंकिंग, ये भी जो हम लोग का कैरेक्टरिस्टिक्स है वो फॉर्मल स्टेज का है, फॉर्मल स्टेज का है, तो ये भी आंसर नहीं हो, ये भी आंसर नहीं होगा। तो तीन आंसर तो छाट दिए, तो बचा क्या हमारे पास, तो बचा हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर दो सेंट्रेशन इन थॉट, जो कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता है। प्री ऑपरेशनल स्टेज में कई चीज़ें होती है, क्यूट बेबी वर्ल्ड आपका आंसर ए है जो कि गलत है, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका। आइए क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ का चल सिक्स की तरफ चलते हैं, और ये रहा स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर सिक्स, आंसर कीजिए सिक्स क्वेश्चन नंबर। आवाज़ क्लियर जा रही है, कमेंट करके एक बार मुझे बता दीजिएगा आवाज़ के। एक बार आवाज़ क्लियर है कमेंट कर दीजिएगा सारे लोग। जल्दी आंसर कीजिए। यस सर, ऑडियो ठीक है। चलिए वीडियो भी अगर थोड़ा बहुत है तो कल तक कोशिश करेंगे कि सही कर लिया जाए। बी बी दिख नहीं रहा है जिनका, वो अपने मोबाइल से अपने वीडियो क्वालिटी को इम्प्रूव कर लीजिए, बढ़ा लीजिए। साउंड ठीक है सर, लेकिन क्लियर नहीं है। चलिए हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ध्यान से सुनिएगा, एक कार्य के दौरान साइना स्वयं से बातें करती है, स्वयं से बातें कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है, किस प्रकार प्रगति कर सकती है। वाइगोत्स्की के भाषा और चिंतन के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है, यानी वाइगोत्स्की के अनुसार व्यक्तिगत वाक्य जो है वो क्या दर्शाता है, क्या दर्शाता है। फैन बहुत आवाज़ कर रही है। क्या होगा आंसर बताइए, आंसर बताइए क्या होगा। जब वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे खुद से बातें करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं क्या, तो व्यक्तिगत वाक्य तो कहते हैं, ये दे दिया। लेकिन बच्चे क्यों खुद से बात करते हैं, ऑप्शन है संज्ञानात्मक अपरिपक्वता के लिए, स्वनियमन के लिए, सेल्फ रेगुलेशन के लिए, या आत्मकेंद्रिता के लिए, या मनोवैज्ञानिक विकार के लिए, किसके लिए। तो कॉन्सेप्ट यह है बच्चों कि जब कोई
बच्चा खुद से बातें करता है तो वायगोत्स्की उस खुद से किए गए बातों को इनर स्पीच या प्राइवेट स्पीच कहते हैं, व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं। और यह व्यक्तिगत वार्ता बच्चा क्यों करता है, तो अपने कार्यों को दिशा देने के लिए, अपने कार्यों को दिशा देने के लिए, अपने व्यवहारों को निर्देशित करने के लिए, या सेल्फ रेगुलेशन के लिए, स्वनियमन या आत्मनियमन के लिए करते हैं। उस वार्ता को ही वायगोत्स्की क्या कहते हैं, व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ईगोसेंट्रिज्म स्पीच क्या है, तो वायगोत्स्की के अनुसार जब बच्चा शेष दुनिया से बातें करता है, घर से, परिवार के सदस्यों से, विद्यालय में अध्यापकों से, अपने सहपाठियों से, समाज के लोगों से जब बात करता है, तो उस वार्ता को वायगोत्स्की आत्म केंद्रित वार्ता कहते हैं। और यहाँ पे जीन प्याजे का भी कॉन्सेप्ट है कि जिस वार्ता को वायगोत्स्की इनर स्पीच या प्राइवेट स्पीच कहते हैं, उस वार्ता को जीन प्याजे ईगोसेंट्रिक स्पीच कहते हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर सीटेट, क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चले अब आगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आइए। ये रहा आज स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन नंबर 7, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD के बारे में पूछा है, और आप पढ़ के बताइए कि ZPD का क्या आंसर होगा। ZPD के बारे में पूछा है, बताएंगे ZPD क्या है। अच्छा, अगर इस क्वेश्चन पे जाने से पहले हम आपसे एक क्वेश्चन कर ले, देखते हैं कि किन का आंसर सही हो सकता है। ZPD से रिलेटेड कौन सा मनोवैज्ञानिक है, कमेंट करके बताइए। तो ZPD से संबंधित कौन से मनोवैज्ञानिक हैं, कमेंट कीजिएगा। भी साइकोलॉजिस्ट रिलेटेड टू ZPD, आ रहा है आंसर, शुरू हुआ है आंसर आने के लिए। ZPD से संबंधित कौन सा मनोवैज्ञानिक है, वायगोत्स्की सही है, वायगोत्स्की सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करेंगे। ए ए जिनका भी बी आ रहा है गलत है। ZPD लाइक कमेंट और शेयर करते रहिए। 33 लोग देख रहे हैं, लाइक 27, अंगूठा दबाते जाइएगा। निकटवर्ती विकास का क्षेत्र का मतलब होता है बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और व्यक्तिवाधिक कौशल वाले समकक्षियों की सहायता से बच्चों द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर बी में कहता है कि विभिन्न प्रकार के कार्य जो कि अपनी आयु के अनुसार बच्चों को करने चाहिए,
परंतु वह नहीं करते हैं। तीसरा कहता है कि वह प्रक्रिया जिसमें शुरू में विभिन्न समझ वाले दो व्यक्ति समझ पर पहुंचते हैं, और चौथा कहता है वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज के वयस्क सदस्यों द्वारा निर्धारित विधि से कार्य करते हैं। क्या होगा आंसर? आंसर क्या होगा? सही है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ऑप्शन नंबर 1, जिनका भी ऑप्शन नंबर 1 आ रहा है सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 का रंजू आमिर प्रताप, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से। जिन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, अमूर्त कहने का मतलब है कि फॉर्मल स्टेज की बात कर रहा है, और बताइए फॉर्मल स्टेज में कौन से गुण बच्चों में विकसित हो जाते हैं। जिन पियाजे के मिसारामी, चलिए और लोग कमेंट ए सभी का ए आ रहा, बहुत बढ़िया है। किट वेवी वर्ल्ड 2, चलिए एक्सप्लेन कर लेते हैं। जिन प्याजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक, अमूर्त कहने का मतलब कि चौथा, अच्छा ये बता सकते हैं कमेंट करके कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की आयु कितनी वर्ष होती है? ज़रा कमेंट करके बताइए अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की आयु कितनी वर्ष होती है। बहुत बढ़िया पूजा, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की आयु कितनी वर्ष होती है? भूल गए सर, जल्दी कमेंट कर रहे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की आयु कितनी वर्ष? 11 से ऊपर। और सेंसरी मोटर स्टेज की आयु कितना? ऑप्शन कर लें, किरण कह रहे हैं 12 से ऊपर, कोई कह रहे हैं 13 से 19, कोई कह दीजिए 25 से भी आगे। चलिए सबसे पहले तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की आयु जो होती है वो 11 वर्ष से ऊपर, मोर देन 11 ईयर्स। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे। जिन प्याजे के अनुसार अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे क्या करते हैं, तो आइए तो नीचे से चलिए। प्रतीकात्मक और सांकेतिक खेलों में भाग लेना प्रारंभ कर देता है, नहीं, प्रतीकात्मक संकेतात्मक अर्थात सिंबॉलिक प्ले बच्चा प्री ऑपरेशनल स्टेज में खेलता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा संकेतों के माध्यम से प्रतीकों के माध्यम से खेलता है, तो डी तो होगा नहीं। संरक्षण और वर्गीकरण और श्रेणीकरण, कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन और सीरिएशन, ये तीनों गुण कॉन्क्रीट स्टेज में आता है, तो ये भी नहीं होगा। दूसरा है केंद्रीकरण और अनुत्क्रमणीय यानी सेंट्रेशन एंड इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट,
और ये दोनों प्री ऑपरेशनल स्टेज में आता है। तो बताइए तो ज़रा फी लोग, तीन को तो नहीं हो सकता है, डी सी और बी हो ही ना सकता है, तो बचा कौन? तो सिंपल सा है, कहिएगा कि बचा ऑप्शन नंबर एक, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और हाइपोथेटिको रीजनिंग करने लगता है, यानी ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर एट का हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन। आइए क्वेश्चन नंबर नाइन की तरफ, ये रहा क्वेश्चन नंबर नाइन, पढ़िए और आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर नाइन, क्वेश्चन नंबर नाइन थोड़ा फास्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर नाइन का क्या होगा आंसर, शेयर कर दीजिएगा सभी लोग के पास, जितने भी आपके पास ग्रुप है सब में शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर नाइन का आंसर बताइए, लॉरेंस कोहलबर्ग के थ्योरी से है, यानी कि यह अच्छा यह क्वेश्चन है नैतिक विकास से। तो एक क्वेश्चन मेरे तरफ से ये है कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने किस पुस्तक में नैतिक विकास का सिद्धांत दिए थे, उस पुस्तक का नाम बताइए तो ज़रा, कौन सा वह पुस्तक था जिसमें लॉरेंस कोहलबर्ग ने मोरल डेवलपमेंट का सिद्धांत दिए। कमेंट करेंगे, पुस्तक का नाम कमेंट्स कीजिए पहले। उस पुस्तक का क्या नाम है, डी ए डी सोनी बी, चलिए कहता लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार, तब तक आप पुस्तक के नाम कमेंट करके बताएंगे हमको। नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियता पूर्वक बनाए रखने से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है। क्या होगा इसका आंसर, दंड और आज्ञा पालन तो होगा नहीं, क्योंकि मानवीय संबंध है और सार्वभौमिक से रिलेट करता है। तो ऑप्शन नंबर डी, नाइन का ऑप्शन नंबर डी, नाइन का ऑप्शन नंबर डी। आइए क्वेश्चन नंबर टेन, टेन बताइए, क्वेश्चन नंबर टेन का आंसर, वाइगोत्स्की के अनुसार पूछा है और अभी अभी कुछ देर पहले तो वाइगोत्स्की को हम डिटेल किए, द साइकोलॉजी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर बताइए टेन, रूपा राय द साइकोलॉजी ऑफ मोरल डेवलप, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर टेन,
नाइन का डी, ए और डी दो दो आंसर आ रहा है, ए भी आ रहा है और डी भी आ रहा है, क्या होगा सही? टेन का बताइए, टेन का, नाइन का नहीं, टेन का, टेन का ए। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, टेन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए इलेवेंथ का बताइए, ग्यारह का, ये रहा क्वेश्चन स्क्रीन पे, इलेवन का क्वेश्चन नंबर लिख के बताइएगा कि किसका आंसर आप दे रहे हैं, इलेवन का कि टेन का, नाइन, क्वेश्चन नंबर इलेवन। ए वाइगोत्स्की, चलिए अच्छा है। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञान सांस्कृतिक उपकरण, तो अभी तो पढ़े थे सांस्कृतिक उपकरण की बात करते हैं वाइगोत्स्की, जिन प्याजे याद रखना है कि वो भाषा की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, भाषा की बात, सॉरी वातावरण की बात करते हैं प्याजे। आइए क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व, ट्वेल्व बताइए, ट्वेल्व को लिख दिया करेंगे। चलिए पच्चीस क्वेश्चन करना है हम लोग को, अभी ट्वेल्व पे पहुंचे हैं। चलिए ट्वेल्व का हो जाएगा जीन प्याजे। कहते हैं जीन प्याजे कि दोनों में सोचने की क्षमता होती, चाहे वह बच्चा हो या वयस्क हो, लेकिन दोनों के सोचने के तरीका जो होता है वो अलग अलग होता है। तो ट्वेल्व का हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, बहुत बढ़िया। आइए क्वेश्चन नंबर थर्टीन, क्वेश्चन नंबर थर्टीन, तेरह, चालीस लोग वॉच कर रहे हैं, लाइक चौंतीस, लाइक कर दीजिए वीडियो को, जरूर से ज़रूर कर दीजिए। पूछा है आपसे कोहल वर्ग के बारे में, द साइकोलॉजी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट इनका पुस्तक का नाम है, जिनको नहीं पता होगा लिख लीजिएगा, लॉरेंस कोहल वर्ग के पुस्तक का नाम द साइकोलॉजी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। तेरह का बी सही है, तेरह का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक अनुबंधन, सामाजिक अनुबंधन, ये आंसर सही है तेरह का ऑप्शन नंबर बी, जो कि ये पोस्ट कन्वेंशनल अर्थात लॉरेंस कोहलबर्ग के थियोरी के तीसरे स्तर की है, और तीसरे स्तर है पोस्ट कन्वेंशनल उत्तर परंपरागत, तो तेरह का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आइए क्वेश्चन नंबर फोर्टीन, बताइए क्वेश्चन नंबर फोर्टीन, क्वेश्चन नंबर फोर्टीन, फोर्टीन का वी चलिए कहता है कि किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए चिंतन पर सामाजिक एवं संस्कृत, आप देखिए सक्रिय रूप से तो पियाजे भी मानते हैं और वाइगोत्स्की भी मानते हैं, दोनों मानते हैं,
लेकिन समाज एवं संस्कृति लग गया। याद रखिएगा एक ट्रिक है कि वाइगोत्स्की अगर क्वेश्चन में पूछता है तो आंसर उम्मीद रखिएगा कि कहीं आपको वाइगोत्स्की में समाज और संस्कृति की बात होगी, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 14 का बी। पियाजे वातावरण की बात करते हैं और ये दोनों कंस्ट्रक्टिविज्म संरचनावाद को मानने वाले हैं और दोनों का मानना है कि बच्चे एक्टिव होते हैं, लेकिन जे बी वाटसन ऑप्शन नंबर एक में जो है वो बिहेवियरिज्म है, व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है उनको। तो जिनको अगर याद नहीं होगा लिख सकते हैं कि व्यवहारवाद का जनक वाटसन को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर पंद्रह थोड़ा फास्ट रहेगा। सतेंद्र लाल जोर से बोलना नहीं, क्या होना चाहिए आंसर, जोर से बोलना। 15 का आंसर बताइएगा। 15 का रणधीर कुमार कह रहा 15 का ए सही है। खुद से बातें कर रही है तो खुद से बातें करेगी तो उसे क्या कहते हैं, व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं, तो 15 का ए हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर सोलह का आंसर बताइए। मूर्त संक्रियात्मक, पहले यह तो बता दीजिए कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की आयु क्या है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की आयु 16 का। बताइए क्या होगा 16 का। मोरल जजमेंट, सात से ग्यारह सही है, 7 से 11। देखिए 16 का आंसर जो होगा वो संरक्षण और कक्षा समावेशन ऑप्शन नंबर एक, 16 का ऑप्शन नंबर एक नहीं ऑप्शन नंबर बी, 16 का बी होगा, मिला लीजिएगा सही, 16 का बी। आइए क्वेश्चन नंबर सत्रह का बताइए। क्वेश्चन नंबर लिख के आप आंसर कीजिए। सत्रह का ए वंदना सिंह बी बता रहे, कितना क्वेश्चन नंबर का बी रंजू 17 का ए बहुत बढ़िया, 17 का ए। संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में कौन सा पियाजे की संरचना है, तो पियाजे की संरचना को क्या कहते हैं, अस्कीमा कहा जाता है, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट। आइए क्वेश्चन नंबर अठारह फर्स्ट आंसर कीजिए थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 18 संरचनावादी के बारे में पूछा है, कंस्ट्रक्टिविज्म। सभी लोग कमेंट करें अपने अपने आंसर को, 18 का क्या होगा।
18 का सी पूनम कुमारी गलत है। अठारह क्या पढ़े थे? संरचनावादी में आप याद कीजिए कि संरचनावादी का मतलब है कि एक्टिव लर्नर, तो यंत्रवत याद करना तो मेमोराइजेशन का भी आंसर होता नहीं है सीटेट में। रीइन्फोर्समेंट स्किनर बिहेवियरिज्म का है और कंडीशनिंग भी बिहेवियर, तीनों खत्म। तो अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। आइए क्वेश्चन नंबर हो गया आपको 19 का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 डी, सही है जी। फिर पूछ रहा है संरचनावादी, और याद रखिएगा संरचनावादी होगा तो एक्टिव जरूर होगा कहीं ना कहीं सक्रिय, तो 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, 19 का डी। आइए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, बताइए क्वेश्चन नंबर 20 20 का रूपाली का आंसर आ रहा है डी। 20 का बताइए। जितेंद्र कुमार, बीस का डी आदान प्रदान और परंपरागत। सही है आदान प्रदान और परंपरागत। आइए इसका आंसर हो जाएगा 20 का हो जाएगा डॉग। 20 का क्या होगा? डॉग होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 21 21 का आंसर कीजिएगा। 21 21 का क्या होगा? 21 का कमेंट करेंगे। वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चा वर्तमान अस्त्र सहयोग द्वारा निष्पादित करती है तो उसे क्या कहते हैं? तो 21 का होगा स्कैफोल्डिंग। 21 का ऑप्शन नंबर सी। होगा
21 का होगा सी। आइए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ, ये रहा स्क्रीन पर 22। ट्वेंटी टू का आंसर बताइएगा। ट्वेंटी टू का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बहुत बढ़िया। आइए क्वेश्चन नंबर 23, करेंगे आंसर। कमेंट कीजिए 23 का। क्या होगा? सामाजिक और संस्कृति की बात कौन करता है? तो सामाजिक और संस्कृति की बात करते हैं वायोगोत्स्की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वायोगोत्स्की आंसर हो जाएगा। इसका आंसर होगा वायोगोत्स्की। 23 का हो जाएगा सी। 23 का हो जाएगा सी। सी। आइए 24। शार्प नहीं दिखाई दे रहा, वीडियो क्वालिटी थोड़ा सा हाई कर लीजिए। रखिएगा, केवल वाला आंसर नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी और डी इसका आंसर नहीं होगा। हदोत्साहित बच्चा को करना नहीं चाहिए, ट्रिक है ये सब। हदोत्साहित नहीं करना चाहिए, दंड देना, तुलना करना, परीक्षा पर जोर देना, ये सब आंसर कभी भी सीटेट में नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 24 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 24 का बी। आइए लास्ट क्वेश्चन है 25। 25 का आंसर बताइएगा। 25 का आंसर बताइए। पच्चीस का एक। पच्चीस का आंसर कीजिए। संरचनावादी उपागम बताता है कि ज्ञान की संरचना के लिए क्या अत्यंत आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर एक, विद्यार्थियों का पूर्व ज्ञान। 25 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर एक होगा। 25, 25 का ऑप्शन नंबर एक इज करेक्ट। कैसा लगा टेस्ट 25 क्वेश्चन का? काउंट करके देखिए कितना नंबर आया।
23 out of 25 आया सर। टोटल बताइए एक बार कमेंट करके कितना हाईएस्ट गया है। 42 लोग देख रहे हैं, 42 लोग कमेंट करके बताएं कि किनका हाईएस्ट है। उनके लिए सक्सेस क्लासेस की तरफ से एक सुनहरा गिफ्ट है। 25 में 25 किनका आया? रंजू 25 में 25, बहुत बढ़िया रंजू, शाबाश। वंदना सिंह 25 में 25, ईमानदारी से सभी बताएं कि कितना कितना आया सबका। तो रूपाली कह रहे हैं 25/23 यानी 23 में 25 आया आपको। पच्चीस हाईएस्ट यानी 25 में 25 है। सकीना बानो 24, मीसा रानी 24, और लोग का चलिए भाई। तो ये रहा आज का आपका टेस्ट, जिसमें आपने 25 क्वेश्चन को अटेंड किया है ना, डिस्कशन के साथ हम लोग किए 25 में 25, बहुत बढ़िया, अच्छा तैयारी है सबको। कैसा लगा टेस्ट एक बार बता दीजिए सभी को। ऐसा ही टेस्ट होना चाहिए। कैसा टेस्ट लगा? अच्छा लगा टेस्ट देकर ना। चलिए तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लोग के पास शेयर कर दीजिए। शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक कर दीजिए और सभी को फ़ोन में ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज यही सेशन को एंड करते हैं, सेशन को एंड किया जाए। चले बाय, गुड नाइट। गुड नाइट, फिर कल मिलेंगे इसी टाइम पे हम लोग। बीस के लिए चले तो ऑफ करते हैं। गुड नाइट।